गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, BSc पार्ट सेकंड यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्मोडायनेमिक सेकंड की हम स्टडी कर रहे थे। इसके कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे इवेल्यूशंस ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी फ्रॉम हीट कैपेसिटी डाटा। एक सॉलिड को उसके बॉइलिंग पॉइंट के हाई टेम्परेचर टी तक गर्म किया जाता है तो उसके ताप पर एंट्रोपी निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। कौन सा इक्वेशन है? वह ST, लिमिट लगा दी हमने 0 से टी CP S1 अपॉन टी इंटू DT प्लस डेल्टा HT अपॉन TT प्लस लिमिट लगा दी TT से TM तक CP S2 अपॉन टी इंटू DT प्लस डेल्टा HF अपॉन TM प्लस लिमिट TM से TB CPL अपॉन टी इंटू DT प्लस डेल्टा HV TB इंटू CP अपॉन टी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ डेल्टा HT है, संक्रमण डेल्टा HF और डेल्टा HV है गलन तथा वाष्प में अवशोषित ऊष्मा, इसी तरह TT, TM और TB है संक्रमण ताप, गलनांक व क्वथनांक। इस CP और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ST का यथार्थ मान ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अवस्था के लिए CP का मान सही ज्ञात हो, परंतु CP का सही मान शून्य परम ताप या शून्य परम ताप के निकट है के ताप पर ज्ञात करना संभव नहीं है। शून्य परम ताप पर CP का सही मान ज्ञात करने के लिए पहले CP के मान कुछ उच्च ताप हाई टेम्परेचर यानी 10 केल्विन से 15 केल्विन तक हम पहले डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर CP तथा LNT में ग्राफ प्लॉट कर एक्स्ट्रा प्लॉटेशन मेथड द्वारा डिबाय टी क्यूब नियम टी घन नियम का उपयोग करते हुए CP का सही मान हम ज्ञात करते हैं। CV इज इक्वल टू A टी की पावर क्यूब। A जहाँ कॉन्स्टेंट है जो पदार्थ के लक्षणों पर निर्भर है। शून्य ताप के निकट CP और CV के मान जो होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं, अतः एक्स्ट्रा प्लॉटेशन में CP के स्थान पर CV का यूज़ किया जाता है। यदि एंट्रोपी के मानों की गणना 298 केल्विन तथा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर की जाती है तो निरपेक्ष एंट्रोपी के ये मान मानक एंट्रोपी कहलाते हैं या स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिब्स एंड हैमिल्टोनियस फंक्शंस। यदि किसी परिवर्तन को कांस्टेंट टेम्परेचर पर संपन्न कराए जाए, अर्थात यदि कोई समतापी परिवर्तन संपन्न हो तो उस पोजीशन में टी इंटू DS इज इक्वल टू DTS हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि TdS हो जाएगा वो हमारे पास DTS माइनस DU प्लस DTS ग्रेटर देन है DW या माइनस D इंटू U माइनस TS ग्रेटर देन एंड इक्वल है DW। ये हुई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब जो U माइनस T इंटू S है में तीन चर संख्याएँ हैं, तीन वेरिएबल हैं, इंटरनल एनर्जी U, टेम्परेचर और एंट्रोपी, और इनके संयोजन से बना हुआ यह पद अत्यधिक उपयोग में आने के कारण एक नया प्रतीक होता है जो कि क्या है, A है। A को कई नाम दिए गए हैं। A का क्या क्या नाम है? वर्क फंक्शन, कार्यफलन, मैक्सिमम वर्क फंक्शन, अधिकतम कार्यफलन, हैमिल्टोनियस फंक्शंस, हैमिल्टोनियस फ्री एनर्जी तथा फ्री एनर्जी। लेकिन जो IUPAC है, IUPAC द्वारा जो इसका
सिंबल है ए तथा हेमोल्ट एनर्जी को मान्यता मिली, लेकिन अनेक स्थानों पर अब भी यह ए को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन ही कहते हैं। अतः जो स्टेप है यू माइनस टी इंटू एस को हेमोल्टेनियस एनर्जी कहा जाता है और इसे हम शो करते हैं ए से। तो बच्चों ए हो गया ए इज इक्वल टू यू माइनस टी इंटू एस। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से माइनस डी ए ग्रेटर देन एंड इक्वल है डेल डब्ल्यू के। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को समाकलित करते हैं तो माइनस डेल्टा ए ग्रेटर देन इक्वल है डब्ल्यू के। ये हो गई इक्वेशन फोर्थ। यदि किसी परिवर्तन में ताप के साथ दाब को भी स्थिर रखा जाए तो उस पोजीशन में पी इज इक्वल टू पी के बराबर हो जाएगा और पद में पी इंटू डी वी का मान पी डी वी हो जाएगा। चूँकि पी स्थिर है अतः पी डी वी हो जाएगा डी पी इंटू वी हो जाएगा। ताप स्थिर है अतः टी इंटू डी एस हो जाएगा डी टी इंटू एस हो जाएगा। तो इक्वेशन में माइनस डी यू माइनस डी पी इंटू वी प्लस डी टी इंटू एस ग्रेटर देन इक्वल है डेल डब्ल्यू के। अगर इसको समराइज कर दें माइनस डी कॉमन ले लें यू प्लस पी वी माइनस टी इंटू एस ग्रेटर देन इक्वल है डेल डब्ल्यू के। ये हो गई इक्वेशन हमारे पास फिफ्थ। इस प्रकार चार चर संख्याओं से बने हुए इस पद u प्लस पी वी माइनस टी इंटू एस का भी उष्मागति में बहुत यूज़ है, अतः इस पद को भी एक नाम और प्रतीक दिया गया है। इसे गिब्स फलन गिब्स फ्री एनर्जी केवल फ्री एनर्जी का नाम दिया गया है। IUPAC में ने इस पद के लिए नाम दिया गिब्स एनर्जी, जिसे हम शो करते हैं कैपिटल जी से। लेकिन जो गिब्स एनर्जी को फ्री एनर्जी कहा जाता है तो कैपिटल जो जी है वो हो जाएगा जी इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी माइनस टी इंटू एस। या जी चूँकि एच क्या है, एच है यू प्लस पी वी तो एच माइनस टी इंटू एस। या ए है यू माइनस टी इंटू एस तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू ए प्लस पी वी। जी हो जाएगा जी इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी माइनस टी इंटू एस। और U प्लस पी वी क्या होता है, U प्लस पी वी होता है H होता है H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। तो यहाँ पे G हो जाएगा H माइनस टी एस या G की वैल्यू हो जाएगी A प्लस पी वी, क्योंकि A क्या है यहाँ पे यहाँ पे ए है यू माइनस टी इंटू एस। तो इक्वेशन फिफ्थ व इक्वेशन सिक्स से माइनस डी जी ग्रेटर देन और इक्वल है डेल्टा डब्ल्यू ए के। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन एट। इक्वेशन एट का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो डिफरेंशियल करने पर जो वैल्यू हमें मिलती है तो वो मिलती है माइनस डेल्टा जी ग्रेटर देन और इक्वल है डब्ल्यू ए के। तो ये हो गई इक्वेशन नाइन। तो बच्चों आज हमने एक तो गिब्स फ्री एनर्जी और हेमोल्टेनियस फंक्शंस क्या होते हैं उनकी स्टडी करी है, और इवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी फ्रॉम
हीट कैपेसिटी डाटा किस तरह से हम इसको डिटरमाइन करते हैं, इवोल्यूशन एब्सोल्यूट एंट्रोपी को हीट कैपेसिटी डाटा से किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, ये हमने स्टडी करी। नेक्स्ट हम इसके आगे के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।